हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनीज किचन और मैं हूं आपके साथ विनी खंडेलवाल। आज हम बनाने जा रहे हैं साउथ इंडियन ऑथेंटिक कोकोनट चटनी। कोकोनट चटनी जनरली हम इडली, डोसा, वड़ा के साथ खाते हैं। इसे बनाना थोड़ा क्विक है और ये काफी हेल्दी और न्यूट्रिशियस होता है। जब मॉर्निंग में हमारे पास जब टाइम थोड़ा सा कम रहे तो हम इसे इडली या फिर नीर डोसा के साथ सर्व कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि जब हमें ऑथेंटिक बनाना हो तो हम इंग्रेडिएंट्स का थोड़ा ख्याल रखेंगे। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। एक कोकोनट ले लेंगे जिसे मैंने पहले ही काट लिया है। आधा कप धनिया पत्ता ले लेंगे, दो कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच राई, 3/4 चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, रोस्टेड चना 25 ग्राम, रिफाइंड ऑयल, करी पत्ता 15 से 20, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इसे हम, सूखी हुई लाल मिर्च। ब्लेंडर जार में हम कोकोनट डाल लेंगे और साथ में धनिया पत्ता। इसके बाद हम रोस्टेड चना डाल लेंगे, साथ में जीरा पाउडर भी डाल देंगे, दो कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे इसमें, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे और 8 से 10 पत्ते करी लीव्स के। थोड़ा पानी मिला देंगे ताकि ब्लेंड होने में आसान रहे। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया ताकि एक थिक पेस्ट बन जाए। चटनी में तड़का लगाने के लिए तेल गरम कर लेंगे। फिर हम इसमें राई डाल देंगे, करी लीव्स डाल देंगे और लाल मिर्च डाल देंगे। ये तैयार है। अब हम इसे चटनी में डाल लेंगे। हमारी कोकोनट चटनी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जय हिंद।